हेलो जी सर, एक्चुअली आपको मंडे तक 24 पीसेस की डिलीवरी मिल जाएगी। जी 200%। रोशनी जरा देखो दरवाजे पे कौन है। जी मम्मा। माँ मेडिकल अंकल आए हैं। कितना हुआ? 1800। भैया ये 1000 रुपए पकड़ो और बाकी पैसे मैं कल परसों दूंगी। ठीक है मैडम। मम्मा पापा पूछ रहे हैं ब्रेकफास्ट रेडी हो गया क्या? ला रही हूँ, बस 2 मिनट। कुछ देर रुका भी नहीं जाता तुमसे, नाश्ता बस बन ही रहा था। पुरानी आदत जो है, सुबह ठीक 8 बजे नाश्ता करके ऑफिस जाने की। मैं रोशनी को स्कूल छोड़कर आती हूँ। हाँ सब कुछ तो तुम ही संभाल रही हो, मुझे देखो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे लिए और रोशनी के लिए। किसने कहा? अब जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक रोज मेरे लिए एक स्माइल कर दिया करो। मेरे लिए बस वही काफी है। चलो रोशनी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। वैली स्कूल चलेंगे? माँ मेरी 8 क्लास की फीस। बेटा टीचर को बोलना मैं अगले हफ्ते दूंगी। आजो, कम अच्छे से पढ़ाई करना और बिल्कुल मस्ती मत करना। बाय मम्मा। ठीक है भैया, मैं बस यहीं उतर रही हूँ। चलो मैं आपको 5 मिनट में देता हूँ। ओके। अरे स्मिता जी, आप? हेलो। ऑल वेल ना? जी जी सब ठीक है, वो लोन काउंसलर से मिलना था। ओह आइए मैं आपको प्रणव जी से मिलवाता हूँ। जी जी थैंक यू। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? जी ये मेरा होम लोन अकाउंट नंबर है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ब्रेन ट्यूमर है और उनकी नौकरी भी चली गई है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी छोटी सी सैलरी से मैं घर और होम लोन दोनों का खर्चा संभाल पाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये होम लोन कैंसिल कर दीजिए, हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। सॉरी मैम, आपका होम लोन कैंसिल नहीं हो सकता। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, हम EMI कैसे भरेंगे? मैम आपके हस्बैंड ने इसका इंतजाम पहले से ही कर दिया था। मतलब? मैम जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाय राहुल, कैन यू प्लीज कम टू माय डेस्क एंड ब्रिंग द क्लेम फॉर्म। थैंक यू राहुल। मैम का क्लेम सेटलमेंट का प्रोसीजर जल्द से जल्द शुरू कराओ। श्योर। कौन सा क्लेम? मैम हम जानते हैं इस घर की अहमियत आपके और आपके परिवार के लिए, इसलिए हम हमेशा कस्टमर्स को होम लोन के साथ HCA पॉलिसी भी रिकमेंड करते हैं।
आपके हस्बैंड ने बिल्कुल सही वक्त पे सही डिसीजन लेके अपना फर्ज निभाया है। मैम ये घर आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। लोन रिपेमेंट करने की जिम्मेदारी HDFC अगो होम क्रेडिट एश्योर की। मैम गो होम एंड टेक केयर। हेलो सर, ये रहा आपके होम लोन का फाइनल सेटलमेंट और ये रही आपकी बची हुई सम इंश्योर्ड की रकम। देखा, इस घर को मैं नहीं बल्कि आप ही संभालते हो। थैंक यू सो मच।